वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे किडनी के मरीजों को सबसे ज़रूरी क्या करना चाहिए। और किडनी के मरीज अब पहले की अपेक्षा, जैसे आज से 10-20 साल पहले किडनी का मरीज लंबा समय तक जीवन जीता था, मतलब पहले बुक्स में भी लिखा हुआ है, अब किडनी के किताब में या किडनी स्पेशलिस्ट जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी किताब में पढ़ते होंगे पहले कि पहले किडनी का मरीज किडनी फेल होने के 30-30 साल तक जीवित रहता था और फिर वो जिंदगी उसका हार्ट अटैक वगैरह से उसका डेथ होता था। किडनी की बीमारी डेथ का कारण नहीं होता था पहले, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से किडनी का मरीज अचानक ही सीरियस हो जा रहा है और फिर उसकी डेथ हो जा रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे, दो तरह का मरीज किडनी का मरीज है, जैसे कि अभी एक मरीज है जो डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हुआ है और एक है मरीज जो डायरेक्ट किडनी फेल हुआ है। तो आप देखेंगे जो मरीज डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हुआ है उसकी गंभीर हालत और जल्दी हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। इसका सबसे बड़ा वजह है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो मरीज उसके पास जा रहा है उसको 10-12 दवाई और लिख दे रहे हैं। सबसे पहले तो गांव का जो ग्रामीण चिकित्सक से पेशेंट दवाई खाता है, ग्रामीण चिकित्सक से आने के बाद वो MBBS से दवा लेता है, MBBS से वही डायबिटीज किडनी ये सब का दवाई चलता है, उसको आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या दवाई चलता है ब्लड प्रेशर वगैरह का। इसके बाद जब किडनी फेल होता है तो वो दवाई के साथ साथ 10-12 दवाई और किडनी का डॉक्टर लिख देता है। जबकि एलोपैथिक की किताब में, मैं कोई आयुर्वेद नेचुरोपैथ की बात नहीं कर रहा, एलोपैथिक के बुक में क्लियरली मेंशनड है यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो तो उसमें दवाई का डोज 1/10 हो जाता है। सपोज कीजिए यदि आप 40 मिलीग्राम टेलमिसार्टन लेते हैं तो उस आदमी को अब 4 मिलीग्राम टेलमिसार्टन ही ज़्यादा है। यदि आप ग्लिमेप्राइड 1 मिलीग्राम लेते हैं तो 0.2 मिलीग्राम ग्लिमेप्राइड ही बहुत ज़्यादा है। उसी टाइप से आपका जितना भी दवा है, सीटाग्लिप्टिन ये सब दवा, इवन इंसुलिन का डोज भी उसी रेशियो में घटना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, और ज़्यादा डोज में दवाई दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब दवाई, कोई भी मेडिसिन ओवर डोज में हो जाता है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, टॉक्सिसिटी होता है, जो कि बुक्स में मेंशनड है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो चीज़ जो उसका विशेषज्ञ है, मान लीजिए आपने भी आप विशेषज्ञ हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो अरे भाई आपने कोई रिसर्च तो नहीं किया ना, आप किताब से ही तो इलाज करते हैं, किताब में जो लिखा हुआ है वही किताब सब पढ़ता है, हर एक MBBS MD FRCS या कोई भी डिग्री प्राप्त किया हो, किताब तो वही है, रिसर्च तो वही है, ऐसा तो नहीं है कि आपने नेफ्रोलॉजिस्ट का अपना कोई रिसर्च है। जब बुक्स में क्लियरली मेंशनड है कि ये दवाई का डोज घटाना चाहिए, तो आज हर एक व्यक्ति ओवरडोज में किडनी का मरीज दवा खा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो दवाई जो है शरीर में एक्युमुलेट होके अचानक ही सीरियस हो जा रहा है मरीज। जैसे कि दवाई का साइड इफेक्ट जो भी होता है, जैसे आपको दवाई का साइड इफेक्ट आपको मेंशन कर दें, डायबिटीज की जितनी भी दवाई है उससे ब्रेन फेल हो जाता है, उसका ब्रेन का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, न्यूरल फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और पूरा शरीर फूल जाएगा। ये डायबिटीज़ की दवा का साइड इफेक्ट मोटा मोटी आप समझिए, और लीवर भी फेल होगा। वैसे ही ब्लड प्रेशर की दवाई का साइड इफेक्ट होता है, यदि किडनी फेल हो गया है तो एक तो सबसे पहला तो साइड इफेक्ट उसका किडनी फेल करना है, और यदि किडनी ऑलरेडी फेल हो चुका है तो उसके एक्युमुलेशन से आपके बॉडी में स्वेलिंग होगा, पूरा स्वेल हो जाएगा, पूरा बॉडी काला पड़ जाएगा और उससे स्मेल आना शुरू होगा उसके साइड इफेक्ट से, ब्लड प्रेशर की दवा के साइड इफेक्ट से। लेकिन फिर वो दवाई वो खा रहे हैं, तो हमारी आप लोगों से विनती है, जो आदमी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मान लीजिए आप BP का दवा खा रहे हैं या कोई भी दवा खा रहे हैं, किसी भी वजह से आप ब्लड प्रेशर का दवा खा रहे हैं या डायबिटीज का दवा खा रहे हैं या कोई भी अन्य दवा खा रहे हैं, यदि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, 1 से 2 हो गया मान लीजिए, आप इमीडिएट उस दवाई का डोज को घटा लीजिए। हमारे संस्थान में अनुपमा हॉस्पिटल में यहाँ पर एलोपैथिक का फुल एक्सपर्टाइज के साथ नेचुरोपैथिक और मेटाबॉलिक चिकित्सा अवेलेबल है। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या किया है कि डाइट का बहुत सारा फॉर्म बनाया है, जो कि डाइट आप लोग जानते भी होंगे बहुत तरह का डाइट होता है, और प्लस अकॉर्डिंग टू ब्लड केमिस्ट्री डाइट को मॉडिफाई करके लोगों के लाइफ को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है बिना भोजन को कम किए।
जैसे कि नेचुरोपैथी में लंबा समय तक फास्टिंग का ट्रीटमेंट है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का अल्टरनेट मेटाबॉलिक चिकित्सा में बिना फास्टिंग कराए आपको लगभग वही रिजल्ट मिल जाता है। उसी टाइप से मेटाबॉलिक चिकित्सा में नेचुरोपैथी में जो प्रोसीजर सब जैसे है, पानी में बैठ के स्नान करना, लंबा समय तक पानी में बैठना, गर्म पानी में बैठना, मिट्टी का लेप कराना, उसका अल्टरनेट इजी सॉल्यूशन मेटाबॉलिक चिकित्सा में आया है, जिससे कि आम आदमी एलोपैथिक का जैसे दवाई होता है, जैसे आम आदमी रहता है दवाई खाता है बिना कोई एडमिशन किए, बिना कोई रिसोर्ट में जाए, आप मेटाबॉलिक चिकित्सा को अपने सारे काम क्रिया करते हुए अपना सकते हैं और इसके लिए आप लोगों का वेलकम है। हम लोग किडनी के मरीज को, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट का डिजीज, ब्रेन का डिजीज जितना है उसका पहले से नेचुरोपैथिक इलाज 100% सक्सेस दे रहा था, अब आम आदमी को के लिए वो इजी हो फॉलो करना, इसके लिए विदेशों में मेटाबॉलिक उपचार की क्रांति आई है। भारत में के भी लोग इसको अपनाएं और अननेसेसरी पैसा बर्बाद करने से बचें। धन्यवाद।